भरवा मूली बनाने का बेहतरीन तरीका। वाह 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 वाह, क्या बात, मोटी मोटी नरम नरम मूली लेकर पानी में उबाल, जैसे लैला की उंगलियां, लेडीज फिंगर। अबे तू मूली में भिंडी कहां से घुसेड़ रहा है यार, लेडीज फिंगर। हाँ, मूली बनानी, मूली मूली मूली। तो मैं कह रहा था, हाँ जी, कि पतली पतली मूली को कतर के पानी में उबाल। क्या उबाला है, सोना बार। सुबह से पहले उठा, हटा बैठ। क्यों 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 क्यों, झाड़ क्यों रहा भाई, सुबह अंकल ने कहा हमारे घर को तुम अपना घर समझो। अरे वो तो ठीक है, लेकिन किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ ये बात और है। सॉरी 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 सॉरी, ले ले, मैं भी कर देता। अच्छा, हम कहाँ थे? अरे भाई भैरव मूली। भैरव नहीं, भरवा। भरवा, अच्छा भरवा भरवा। पतली पतली मूली को कतर के पानी में उबाल लो। उबाल लो, उसके बाद घी गरम करके थोड़ी सी हींग भून लो। हाय 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 हाय, बहुत दिनों के बाद आज असली घी सूंघने को मिला है। घी? हाँ, फिर सूखा पुदीना अनारदाना पीस कर मसाले के साथ मूली में ऐसे भर लो जैसे झूली। झूली? अरे मूली में झूली कहाँ से घुसेड़ रहा है? अरे गुरु, झूली नहीं, मूली। हाँ मूली, मूली रूबी। अरे रूबी नहीं, गोभी। अरे यार मूली में गोभी कहाँ मिला रहा है? अरे यही मिला रहा है यार, मूली मूली। हाँ। अरे बड़ी मिस दुर्गा, तुम भी आया है? बड़ी आएंगा नहीं तो क्या जाएंगा? अरे मिस बाटली वाला, मिस सूरत वाला, आप सब, आप सब यहाँ एकदम से। Isn't he handsome? मरी जाओ रे। अरे I'm sorry, अचानक आ गए आप लोग यहाँ। गुरु हा? तुम तो हमको ये शिक्षा दे रहे थे कि जिस घर में हम जाएंगी, जाएंगे जाएंगे, मेरा मतलब जाएंगे, उस घर के किचन को स्वर्ग बना देंगे। वाह वाह, गुरु तो गुरु छा जो, पर चेला भी कुछ कम नहीं है। हम तो गॉड का पास रोज दुआ मांगता है कि हम सब छोकरे लोग को तुम्हारा जैसा एक अच्छा से अच्छा हस्बैंड मिलेगा। मिल जाएगा हस्बैंड, बहुत नहीं नहीं नहीं। मगर आप ये बताइए, आप लोग यहाँ पर आए आए क्यों? ओ मरे गए, आए क्यों? वो तो भूल गए। पूछो पूछो, छोकरे लोग हम लोग इधर काहे को आया था? कहीं माला देवी से तो मिलने नहीं आए? कड़े बड़ी, बिल्कुल ठीक बोला, इंटेलिजेंट छोकरा है। काम काम क्या, काम 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 क्या है? माला छह? क्या छह माला? अरे नहीं गया हुआ, किधर है वो? ऑफिस ऑफिस ऑफिस। नॉट एट ऑल, हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। थैंक यू, हमने बोल चलो अरे मरगत में चलते यार। बाय बाय, माय गॉड, ये लड़कियां जाएंगी तूफान मेल के कंपार्टमेंट। देख लिया बेटा, अच्छी खासी मुसीबत में फंसा दिया तुम लोगों। हाँ, हमने फंसाया। और क्या, ये डीजल का इंजन कहाँ से? जी आप, मेरा नाम दीपक है, मैं माला जी की कंपनी का मैनेजर हूँ। आप मिस्टर शेखर माला माथुर तो नहीं? जी बिल्कुल, फरमाइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ मैं? ये आपके बस का रोग नहीं, माल के कुछ ऑर्डर आए थे, उसको माला जी के दस्तखत कराने। अल्लाह ही लाई। माला जी कहाँ है? माला जी, माला जी ऊपर है? हैं जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, माला जी ऊपर है? नहीं, ऑफिस में। तो ठीक है, मैं उनसे ऑफिस में मिलूंगा। माला के फर्म का मैनेजर है। बड़ो हेरा फेरी वालो है, बच के रहना। है? कैसे कैसे कैसे? मैं एक के बराबर जानू हूँ। हाँ, मुझे लग रहा था फाइल्स देखकर। दिलीप, तू ऐसा कर, कैसे भी मार्केट से माल की सही रेट पता कर ला। अरे गौर कर, सुनो। जी साहब। क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहा हूँ। नहीं साहब, कुछ तो परेशानी जरूर है। हाँ साहब, क्या करेगा साहब, सात बच्चे का बाप है। और आप जानते हैं। मैं समझ गया समझ गया। ये लो लो लो, रखो रखो, अपने खर्चे के लिए रखना। बात सुनो, ये घाघरे वाली कौन है? वो नए नौकरों के साथ आई है साहब। ओ अच्छा, सुनो, तुम इन लोगों का ख्याल रखना और इनकी सारी खबर मुझे देते रहना। और मैं तुम्हारी परेशानी इसी तरह दूर करूंगा। अच्छा, माफ कीजिए, मैं ऑफिस गया था तो पता चले गया फैक्ट्री में, इसलिए मैं यहाँ आया। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए? एक बहुत जरूरी काम था। क्या है? आपके मैनेजर मिस्टर दीपक आपसे कुछ पेपर पर साइन कराना चाहते हैं। तो उन पर साइन मत करिएगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल मंगाया जा रहा है उसमें हेरा फेरी है।
आइए देखिए माल के सही रेट्स। मिस्टर शेखर, मैं जो इतना बड़ा कारोबार संभालती हूँ, इतना बड़ा ऑफिस चलाती हूँ, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? पहले तो नहीं समझता था, खैर ये कोई पहली बात नहीं हो रहा, बहुत दिनों से चलता आ रहा है। Shut up and get out. I said get out. सुनील जी, आया है, मुझे बुलाया। दीपक कहाँ है? थोड़ी देर पहले तो यही थे, यही कहीं होंगे। राम। माला जी, मैं आप ही के पास आ रहा था, इन ऑर्डर्स पे साइन कर दीजिए। मिस्टर दीपक, व्हाट इज दिस? हम जो रॉ मटेरियल्स मंगा रहे हैं, उनके रेट्स में और मार्केट के रेट्स में इतना फर्क क्यों है? इसका मतलब ये हुआ कि आप बिना किसी इंक्वायरी किए ऑर्डर्स पे साइन करा लेते हैं। ऐसा कब से हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लाइए, मैं पुराने ऑर्डर्स को चेक करके आपको बता देता हूँ। प्लीज डू। ऑलराइट। दीपक बाबू मारे गए। ड्राइवर, गाड़ी गैराज में रख दो। अरे क्या बात है, आप लोग यहाँ क्यों बैठे? क्या तुमने आज दफ्तर में शेखर को कुछ बुरा भला कहा था? हाँ, तो क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, होने वाला है। आंखों में आंसू, दिल में चुभन, एक अजीब सी उदासी छाई हुई है उसके मन में। बड़ी बुरी हालत है उसकी। कह रहा साहब, इस दुनिया में जीने से क्या फायदा? जी हाँ, कह रहा था जहाँ सम्मान नहीं वहां रहने से फायदा, जी करता है आत्महत्या कर लो। चलो I'm sorry. आपके मैनेजर मिस्टर दीपक आपसे कुछ पेपर पर साइन कराना चाहते हैं। उन पे साइन मत करिएगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल मंगाया जा रहा है उसमें हेरा फेरी है। आइए देखिए माल के सही रेट्स। देख माला, शादी का मतलब है घर और सुखी परिवार, पर तूने तो इसका मजाक ही बना रखा है। परिवार का असली सुख तो बच्चों से होता है। गुड मॉर्निंग। अरे माफ कीजिएगा, पता नहीं इतनी देर तक कैसे सोता रहा मैं। तो क्या हुआ, चलो चाय पी लो। जी चाय तो मुझे लाना चाहिए था, आप क्यों? क्या मैं आपके लिए चाय नहीं ला सकती? क्या मेरे हाथों के बनाए हुए चाय? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल आप। अरे ये आप क्या लगा रखी है, क्या तुम मुझे तुम नहीं कह सकते? क्या क्यों नहीं सकता, मगर आपकी इजाजत के बिना। हर बात के लिए इजाजत की जरूरत होती है, तुम इतना भी नहीं समझते? जी एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी, आज आप इस लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अब बेटा शेखर लग रहा है गाड़ी पटरी पे आ गई। अब क्या हुआ जी, एक गलती से अठे खेल रहे हो तुम तो खेलने दो। क्या हुआ, कुछ टूट जाएगा तो? कुछ नहीं टूटेगा, बाहर इतनी तेज धूप है, बाहर खेलेगा तो बीमार हो जाएगा। जी जी वो तुम्हें तो बस जी जी करना आता है। जी बच्चों के साथ किस तरह प्यार करना चाहिए तुम्हें कुछ नहीं मालूम। मिठू बेटे इधर देख चंदा, अब इसे मत डांटना, बच्चा है, इतना बड़ा घर है, खेलने दो ना। ए मिठू बेटा इधर आओ, मेम साहब ने तुम्हारी पप्पी ली। हाँ ली। अरे यार तू बड़ा खुशनसीब है। अरे लता, तुम्हारी छुट्टी इतनी जल्दी खत्म हो गई? जी आई एम सॉरी, आने में जरा देर हो गई। ओह दैट्स ओके, पहले ये बताओ क्या हुआ, लड़का या लड़की? जी बेबी बॉय। ओह दैट्स नाइस, यू लकी मदर। जब से माला देवी ने गोदाम से माल निकलवा कर घर के गोदाम में रखवा दिया है, तब से हेरा फेरी का धंधा सत्यानाश हो गया है। पैकिंग के लिए माल नहीं है, लेबल नहीं है, ऊपर से सब वर्कर लोग पगार के लिए बुम कर रहे हैं। माला इतनी चालाक निकलेगी ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, कहीं इसके पीछे शेखर का तो हाथ नहीं? इम्पॉसिबल डार्लिंग,
वो बेचारा खुद ही हुक्म का गुलाम बना बैठा है। शेखर अगर हमारे हाथ में आ जाए तो हम माला के नए गोदाम से कुछ ना कुछ माल जरूर निकाल सकते हैं। वंडरफुल आइडिया, लेकिन ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। ओके